क्या कंगना रनौत से होगी सुशांत सिंह राजपूत मामले में पूछताछ? क्या पुलिस ने कंगना को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया है? इन सवालों का जवाब दिया टीम कंगना रनौत ने। इन खबरों पर ट्वीट कर दिया रिएक्शन। आइए जानते हैं क्या कहना है टीम कंगना का। जब से सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ है, तब से ही कंगना रनौत बॉलीवुड में भाई भतीजावाद को लेकर बात कर रही है। उन्होंने सुशांत जैसे प्रतिभाशाली एक्टर को दरकिनार कर रखने के लिए बॉलीवुड के कई बड़े लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में रिसेंटली सुशांत का ये केस नया मोड़ लेते दिख रहा था। कल खबरें आई थी कि अब इस केस के सिलसिले में कंगना रनौत से भी पूछताछ की जाएगी और उनका बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा। और अब बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की सोशल मीडिया टीम ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ये बताया जा रहा है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के तहत मुंबई पुलिस द्वारा अभिनेत्री से पूछताछ की जाएगी। इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कंगना की टीम ने लिखा, मुंबई पुलिस की तरफ से कंगना रनौत को अब तक ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ होने पर वो जरूर सहयोग करना पसंद करेगी। मिस कंगना रनौत हैजंट रिसीव्ड एनी सच रिक्वेस्ट फ्रॉम मुंबई पुलिस येट, बट एज एंड व्हेन शी डज, शी इज मोर देन विलिंग टू कोऑपरेट। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद भी कंगना ने अपने वीडियो के माध्यम से इस पर बात रखी है और ये भी सवाल उठाया है कि कहीं सुशांत की मौत एक तरीके से किया गया मर्डर तो नहीं है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत सुशांत सिंह राजपूत के सुइसाइड से बेहद आहत है और अपनी ओर से भी मामले की छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने मुंबई स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तब भी कंगना ने इस तरह के सवाल उठाए थे। सुशांत महज 34 इयर्स के थे। पुलिस सुशांत के सुइसाइड केस की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों एंगल से जांच कर रही है। वेल, फिलहाल कंगना की टीम ने ये साफ कर दिया है कि कंगना को अभी तक बयान रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बुलाया है और अगर बुलाते हैं तो वो उन्हें फुल सपोर्ट देंगी। आपका क्या कहना है इस मामले में? आपके थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।